दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसा नया चमत्कार और नया दवा के साथ में हम लोग बैठे हैं। एक ऐसी बीमारी जो पिछले 15 साल से लगी हुई थी और इसको हर जगह दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं था। आइए उनके पति से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, जोर से बोलेंगे। सर क्या नाम है आपका? श्यामुद्दीन। सर कहाँ से हैं? जमुना। जमुना से। सर आपका नाम क्या लिखते हैं? अनु मिश्रा सर। सर कहाँ से हैं? मैं यहीं पसान से। पसान से। सर कितने यहाँ का जिला क्या पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों को जरूर बताएं। जिला अनूपपुर पड़ेगा सर। जिला अनूपपुर। सर क्या समस्या थी आपकी पत्नी को? पत्नी को ठीक होता रहा, बहुत ठीक होता था। जरा सा भी डस्ट उड़ता था तो बिल्कुल, मतलब जरा सा भी डस्ट बर्दाश्त नहीं, कोई भी डस्ट मतलब कपड़ा वगैरह झाड़ने के बाद डस्ट आता था तो ठीक चालू जाती थी, पानी बन लेता। और सर्दी खांसी थी? खांसी सर्दी थी, सर्दी वही मतलब नाक बहता रहा। और कितने साल से था ये? 15 साल। 15 साल से। कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं? इलाज बहुत जगह दिखाए, बहुत जगह दिखाए। मतलब थोड़ा सा भी टेस्ट ऐसे करते थे तो नाक में पड़ता था, तो ड्रॉप और नापते थे, कुछ आराम मिलता रहा 2-3-4 दिन पर वैसे ही रहता था। आप लेते हैं इसमें तो कुछ आराम रहता है, गर्म पानी करके बाकी नाक से बहता रहता था। आपने भी देखा था सर ये? जी जी। आइए थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। अभी मैं बहन जी को कुछ दवाएं पिलाया हूँ और मुझे लगता है कितना मिनट हुआ होगा, आधा घंटा? पंद्रह मिनट। दोस्तों मैंने SLPS की कुछ औषधियों का इस्तेमाल किया और सर को पिलाया है। मैं फिर से बताऊंगा सही मात्रा और डोज का नतीजा है कि ये रिजल्ट अब आपके सामने, जो जरा सा डस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आइए थोड़ा सा देखते हैं। बहन जी यहाँ मुंडी रखिए, तिरछा रखिए, ऐसे डस्ट तो उड़ रहा होगा। उड़ा होगा डस्ट? जी डस्ट उड़ रहा था। अब बताओ सर, अगर इतना डस्ट पहले उड़ता उसके बाद क्या होता? ठीक होता। हर हालत खराब हो जाती? बिल्कुल, बहुत जरूरत से ज्यादा हालत खराब होती। अभी आप छिकते छिकते परेशान हो जाती। इतना डस्ट अगर उड़ा होता तो कम से कम 2-3 घंटा परेशान हो जाती। अभी कैसे लग रहा है? अभी आपको कोई छींक आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है? अभी कोई सर्दी जो आप आई थी तब क्या दिक्कत है? जब आप आई थी उस समय कैसा लग रहा था? रहा सर्दी रहा? नाक बंद थी जब आप आए थे? नाक से पानी बह रहा था जब आप आई थी? नहीं, जी 2:30-3 बजे ली। अच्छा, उसके बाद भी सर्दी पड़ा हुआ था। और दोस्तों अभी आप देख रहे हैं 15-20 मिनट पहले मैंने कुछ औषधियाँ पिलाई जो जरा सा डस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनके सामने मैंने इतने समय तक गद्दों को पीटा है और मुझे लगता है इतने समय के बाद तो रिजल्ट आ जाता, छींकना चालू कर देती। क्यों सर? जी जी, क्यों सही बात है? तो अभी आप देख रहे हैं कि इनको वो जो छींक की जो एलर्जी की समस्या थी, मात्र 15 मिनट के अंदर वो एलर्जी खत्म हो गई डस्ट की। और ये सबसे बड़ा रिजल्ट आपके सामने है। क्या आपने कभी सोचा था इतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा? बिल्कुल। कभी सोचा था आपने? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। हमारे भाई साहब खड़े, सर कभी आपने सोचा इतने जल्दी एलर्जी का? सोचा सर, वही तो बोला कि दवा है कि दुआ है, समझ नहीं। और ये मैं कुछ नहीं बोलता, मैं की बात बोलता हूँ, बजरंग वाली है, सब वही ठीक करते हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो सिर्फ माध्यम सा लगा सर, इसीलिए बोला कि तो आपके हाथ में ऐसा लग रहा है कि दुआ है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। और ये मैं मानता हूँ कि SLPS उसकी औषधियाँ, चमत्कारी औषधियाँ सही मात्रा और सही डोज में अगर दिया जाए तो दुनिया की सारी बीमारियों को सही में ठीक किया जा सकता है। दोस्तों घर में बैठने से अच्छा है एक बार जरूर आप इन लोगों से मिले जो इतने लोग आपको दिख रहे हैं, और एक बार मिल के मेरे पास आए। बोलते हैं कि ठीक होना या नहीं होना अलग बात है, पर हम प्रयास ही ना करें ये गलत बात है। तो एक बार आइए, जरूर SLPS की औषधियों का इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच।